मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल, आप भी कमेंट करके बताइए कौन कौन जाना चाहता है या गया हुआ है। तो अभी मैं चल रहा हूँ साइकिल से, साइकिल को क्लिनिक पे छोड़ दूंगा और फिर वहाँ से हम बस लेकर के चलेंगे लुधियाने, लुधियाने से ट्रेन पकड़ के हम चलेंगे आगे आगे गोल्डन टेम्पल। यह है हेरिटेज वॉल और यहाँ पे लगा हुआ है महाराज रंजीत सिंह का स्टैच्यू। सर्दी काफी होने के कारण यहाँ पर रुककर हमने ये गरम गरम दूध पिया और यहाँ मार्केट से होते हुए हम आगे बढ़ चले। यहाँ पे सामने में आता है जालियांवाला बाग, इसके बाद में आता है हमारा गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के जस्ट गेट पे है शनि मंदिर, इसके जस्ट आगे आता है ये सुंदर सा मेन एंट्रेंस ऑफ गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे शू रखने के बाद हाथ धोकर हम आगे की तरफ चल दिए। दिस व्यू कैन स्टक योर आईज, यहाँ मत्था टेकने के बाद बहुत ही अच्छी सी सुकून वाली फीलिंग आई। इसके बाद हम चल दिए लंगर हॉल की तरफ। ये है एशिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन और यहाँ 24 घंटे आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर डे लाखों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। और उसके आगे ये है गुरु रामदास निवास, जहाँ हमें कंबल और गद्दा मिला सोने के लिए। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले गद्दा और रजाई जमा कराया। अब हम नहा कर रेडी हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे। दर्शन करने के बाद चाय पीकर हम गए सिख म्यूजियम एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल टू कम एट लीस्ट वंस। यहाँ पे सिख धर्म और गोल्डन टेम्पल के बारे में सब कुछ बताया जाता है। Oh God.